हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप कि आप मुझे देख के समझ सकते हो कि मैं अभी अभी उठी हूँ एंड अभी 10 बज रहा है गाइज, ट्रस्ट मी। एंड बाहर का मौसम देख के क्या आपको लग रहा है कि अभी 10 बज रहा है? इट्स टोटली डार्क, फिर भी ना फ़ोन में थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी इट्स टोटली डार्क। मैं आपको एक सेकेंड बाहर जाके भी दिखाती हूँ। लाइक कैन यू सी द थंडर? लाइक आपको दिखाना कि बिजली करका अभी। सो गाइज, मैं बाहर जाऊंगी तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, सो मैंने सोचा कि यहीं से बात करती हूँ। कैन यू जस्ट सी, इट्स रेनिंग, बहुत जोर जोर से बिजलियाँ करक रही हैं। एंड लाइक आई लव दिस वेदर, आई जस्ट लव इट गाइज, आई जस्ट लव दिस वेदर। बट मेरा जो कंप्यूटर ठीक करने आने वाला था, आई डोंट थिंक वो आ पाएगा इतनी ज़्यादा बारिश में। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तब तक के लिए फ़ोन ही से काम चलाते हैं जब तक कोई नहीं आता। सो आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। लाइक इट्स अभी लग रहा है कि शाम के 7 बज रहा होगा। आपने देखा ना, बिजलियाँ करक रही है कैसे ऐसे ऐसे। सो आई एम लविंग दिस वेदर बट आई एम लविंग दिस वेदर। सो मैं अभी उठी हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, फिर थोड़ा सा खाना खाऊँगी एंड देन व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज, आई एम लविंग दिस वेदर, लविंग इट। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज, बाय बाय। सो गाइज, मैं अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ। लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम, जो मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ हर रोज़ करने का, बट हर रोज़ हो नहीं पाता है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट वर्किंग आउट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा प्राणायाम करूँगी, फिर थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लूँगी, लाइक अ लिटिल बिट, नॉट टू मच, ठीक है ना। बस मुझे लाइक 15-20 मिनट्स का करती हूँ, कभी कभी आधा घंटा भी, बट उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। आई एम अ वेरी 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 लाइक लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट देन मैं टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक है ना, बट मुझे टाइम निकालना अच्छा नहीं लगता है वर्कआउट के लिए स्पेशली। सो मैं जल्दी जल्दी से करने की कोशिश तो कर रही हूँ। एंड बाहर इतना अच्छा मौसम है गाइज, लाइक ऑसम वाला मौसम, बिल्कुल ऑसम वाला मौसम है। सो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड आई होप कि आपको भी ये वाला व्लॉग देख के बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सो देखते रहो, तब तक मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय। मैं ऐसा क्यों किया, कीप ऑन वॉचिंग, लाइक चुप बैठो? नो यार, कीप ऑन वॉचिंग, आप बात भी कर सकते हो, ऐसे बात ही कर सकते हो मेरे साथ। मतलब जब मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना ख़त्म हो जाए, फिर आप भी बात कर सकते हो, पर मैं तो आपको टाइम देती नहीं हूँ बिकॉज मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे पता है वो। सो कमेंट में बात कर सकते हो आप, कमेंट में बात करो। सो या देखते रहो, ठीक है ना, बाय बाय। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है, सो आई कॉल्ड समवन टू फिक्स इट अप, सो ही वॉज ट्राइंग टू फिक्स इट एंड पता नहीं यार कब ठीक होगा, अभी तक ठीक हुआ नहीं है वो, बाय द वे। एंड मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि क्या होगा, कब ठीक होगा मेरा कंप्यूटर, कब मैं एडिट करूँगी मेकअप वीडियोज। यस, हाई गाइस, आई वॉज चिलिंग अ लिटिल एंड तभी मेरे को ये बहुत ही भारी सा पार्सल रिसीव हुआ है एंड मैं अभी इसको ओपन करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कहाँ से आया है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेट्स जस्ट सी कि इसमें क्या है, चलिए ओपन करते हैं। ओके, सो मैं यहीं पर रख के अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। सो आई, ओ अच्छा अच्छा, इट्स फ्रॉम नेचर्स वेदा, आई नो इसके अंदर क्या है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू रुइन द पेपर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सो मैं इनको साइड में रखने वाली हूँ, ठीक है। एंड उनका ना लाइक कहाँ से काटू यार, पैकेजिंग इतना अच्छा है इनका कि कहाँ से काटू ये भी पता नहीं चल रहा है, बहुत ही सिक्योरली पैक्ड होके आया है। ओके ओके, ओपन हो गया फाइनली, ओह माय गॉड, इट्स सो नाइसली पैक्ड। सो अच्छा, चलो पूरा ही काटना ही पड़ेगा मुझे, अदरवाइज नहीं होगा ओपन।
सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑलरेडी कि कितना ज़्यादा अच्छा पैकेजिंग है एंड बहुत ही भारी भी है इसके अंदर. आई थिंक कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी दीज मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग. सो चलिए इसको काटना ही पड़ेगा. सो नाइस पैकेजिंग, कैन यू सी, कोई भी मतलब कुछ हो ही नहीं सकता आपके प्रोडक्ट्स को अगर इतने अच्छे से. वाओ इट्स सो प्रिटी. ओके सो दिस इज द नेचर्स वेदा दस पुष्पम बेबी ऑयल फॉर स्किन इम्यूनिटी. ओके दिस इज अ बेबी ऑयल. दस पुष्पम मतलब कि 10 फ्लावर्स से बने हुए होंगे या कुछ वैसा होगा. सो मैं ज़रूर रिव्यू तो करने ही वाली हूँ. दिस लुक्स सो प्रिटी गाइस. दिस इज अ बेबी ऑयल एंड इट लुक्स सो क्यूट एंड सो प्रिटी. आई लव 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 दिस पैकेजिंग. लाइक दिस इज द फर्स्ट ऑयल आई गॉट एंड कोई भी स्पिलिंग नहीं है. मैं प्रोडक्ट को मतलब चारों तरफ से टच करके देख रही हूँ कि कोई भी स्पिलिंग विलिंग तो नहीं है. सो बिल्कुल भी कोई भी स्पिलिंग नहीं है एंड द कैप इज ऑल्सो ब्लैक एंड ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही क्लासी सा दिखता भी है, बहुत ही अच्छा दिखता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया. ओके सो चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं क्या है. ओके गाइस सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मोरिंगा लीफ पाउडर. दिस इज टोटली ऑर्गेनिक एंड लाइक टोटली हर्बल. 200 ग्राम का प्रोडक्ट है. दिस इज लाइक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है सो इंडिया का ही प्रोडक्ट है एंड मोरिंगा लीव्स आर रियली रियली ग्रेट फॉर आर हेल्थ आर स्किन एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि आई नो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए आई चोज दिस प्रोडक्ट. बहुत सारे पाउडर्स उनके पास अवेलेबल थे जैसे कि आंवला पाउडर लाइक कस्तूरी हल्दी पाउडर, बट आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस मोरिंगा लीफ पाउडर बिकॉज आई हैव हर्ड रियली ग्रेट थिंग्स अबाउट इट. सो आई एम गोना रिव्यू इट रियल सून. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मैंने फिर से कैमरा को ड्रॉप कर दिया था. आई डोंट नो, आई हैव सम सुपर चैलेंज गाइज. मैं हर वक्त कैमरा को ड्रॉप करती रहती हूँ, ठीक है ना. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस हेयर ऑयल, नील ब्रिंगादी हेयर ऑयल फॉर स्कल्प नरिशमेंट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. लाइक हाउ इट वर्क्स तो अभी नहीं देख सकते बट आई एम सो इंट्रीग्ड टू ट्राई आउट ऑल द प्रोडक्ट्स बिकॉज पैकेजिंग कितना ज़्यादा अच्छा है गाइस. कुछ भी नहीं हुआ एक भी प्रोडक्ट को, विच इज़ अमेजिंग. ओके एंड हियर इज माय हेयर ऑयल, नील ब्रिंगादी हेयर ऑयल एंड इट लुक्स सो प्रिटी गाइस. इट लुक्स सो प्रिटी. मैं इन सब के पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूँगी. ऑलरेडी सुपर एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट एंड मुझे कुछ और भी प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. दे आर सो काइंड गाइज. ओके इट लुक्स सो प्रिटी. कैन यू सी हाउ प्रिटी इट लुक्स? कैन यू सी इट? वैसे भी आपको उल्टा ही दिखने वाला है, कुछ कर नहीं सकती मैं. दिस इज द कुमकुमादि फेस ऑयल फॉर स्किन रेडियंस, जिसको मैं शायद अभी यूज कर लूँ बिकॉज स्किन केयर. ओ माई गॉड, इसमें कुछ और भी था शायद. ओके द पैकेजिंग इज सुपर नाइस गाइज. द पैकेजिंग इज लाइक टू डाई फॉर. लाइक आई थिंक दिस इज अ मेटल बॉटल और पता नहीं यार, बहुत ही हैवी है, बहुत ही एक्सपेंसिव दिखता है. कैन यू जस्ट सी हाउ एक्सपेंसिव इट लुक्स? एंड ओके इट हैज अ ड्रॉपर बॉटल जैसा कि दिख ही रहा होगा. इट लुक्स लाइक लिक्विड गोल्ड. स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है ये तो मैं नहीं बोलूँगी. लाइक इनमें कोई भी फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कुछ भी नहीं है. सो स्मेल बहुत अच्छा है ये तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ, बट आई लाइक इट एंड आई एम रियली लाइक एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग, ठीक है ना. वन सेकेंड. सो गाइज दिस इज आवर लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट. ओके आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा पैकेजिंग है. लाइक आई कैन नॉट. बहुत अच्छा पैकेजिंग है गाइज. ओके
देखिए, सो मैंने ओपन कर लिया है इसको भी. एंड ओह गॉड, इनका पैकेजिंग गाइस, दे हैव द मोस्ट अमेजिंग पैकेजिंग. आई लव नेचर्स वेदा फॉर इट्स पैकेजिंग. दिस इज द दस पुष्पम वॉर्म ऑयल फॉर स्किन रिजुविनेशन. आई थिंक दिस इज गोना वर्क फॉर स्ट्रेच मार्क्स और एनी काइंड ऑफ सैगिंग स्किन और उन सब टाइप स्किन के लिए. बट आई एम गोना यूज इट बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो दिस इज द मॉम ऑयल विच लुक सो प्रिटी. बट सबसे अच्छा मुझे पैकेजिंग लगा इसका. आई लव द पैकेजिंग, आई जस्ट लव द पैकेजिंग. वैसे मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छे लगे हैं गाइज. सो आई एम थिंकिंग थोड़ा सा ट्राई कर लूँ इसको अभी, करूँ या नहीं करूँ बताओ मुझे. यार मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुझको मिलता है तो आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट इट. एंड मैं तो रिव्यू करने वाली हूँ नहीं ट्राई किए बिना. सो चलिए थोड़ा सा ट्राई कर ही लेते हैं. आई जस्ट होप कि ये गिर ना जाए. ठीक है, ओके ओके. इतना प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए. आई ऑलरेडी हैव ऑयली स्किन एज यू ऑल नो. सो इतना सारा प्रोडक्ट मेरे को नहीं चाहिए. 1, 2 and 3. ठीक है, 3 drops इज इनफ. बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है विच इज़ गुड. बहुत ही लाइट वेट है. ओके गाइस, स्मेल काइंड ऑफ लाइक नेचुरल तेल. मतलब कैसे बताओ आपको कैसा स्मेल है. आई एम फैमिलियर विद द स्मेल. लाइक बिल्कुल जो नेचुरल हर्बल स्मेल होता है ना, इससे वैसा ही स्मेल आता है. आई एम रियली फैमिलियर विद द स्मेल. बट मैं लाइक रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि किस चीज़ का स्मेल है, होता है ऐसा. बट आई एम रियली फैमिलियर विद द स्मेल. सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स, रियली ग्लोई. एंड आपने देखा ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ ब्लेंड ब्लेंड करना नहीं पड़ा बिकॉज दिस इज़ रियली लाइक लाइट वेट एंड बहुत ही जल्दी से स्किन में अब्जॉर्ब भी हो गया. सो आई लव इट गाइज. सो अगर आप इन सारे के सारे लाइक सारे के सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. रिव्यू और लाइक कुछ भी देखना चाहते हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं ज़रूर करूँगी, पहले तो ट्राई कर लूँ फिर करूँगी. सो ज़रूर बताना, ठीक है ना. एंड गाइज, और एक बात है, मुझे कुछ ही दिन पहले और एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ था. दैट इज़ दिस ईओवा और आई थिंक ईओवा हेयर न्यूट्रिएंट विथ एग ऑयल. ठीक है ना, दिस इज इंडियाज फर्स्ट और वर्ल्ड्स फर्स्ट एग ऑयल. बिल्कुल कोल्ड प्रेस्ड तरीके से एग से ऑयल को निकाला गया है. कैन यू इवन इमेजिन दैट. जिन्होंने भी इसको इन्वेंट किया है, लाइक उसका ब्रेन कुछ अलग ही लेवल पे चलता है. बिकॉज एग से, एग को कोल्ड प्रेस तरीके से एग से ऑयल निकालना इज़ लाइक ओ माई गॉड, दैट्स अमेजिंग. ठीक है ना, सो आई एम रियली इंट्रीग्ड टू शेयर. मतलब इस प्रोडक्ट का जो रिव्यू है, मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. एंड मेरे को ये वाला कप भी रिसीव हुआ था ईओवा के तरफ से. सो थैंक यू ईओवा फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट. मैं इनका भी ज़रूर रिव्यू करूँगी आप लोगों के लिए, अगर आप देखना चाहोगे तो. सो अभी के लिए अनबॉक्सिंग पीरियड इज़ डन. थोड़ी देर बाद मैं आपसे फिर से बात करती हूँ. सो तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग. हाय माय ब्यूटीफुल क्यूटी पाई बेबीज. आई डोंट नो अचानक से इतना प्यार क्यों आया. सो मैं भी बहुत सारा फ्रूट्स खाने वाली हूँ, एज यू कैन सी. लाइक बहुत सारा है ये. ठीक है, एंड फ्रूट्स खाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मेरे को पसंद भी है वैसे तो. सो फ्रूट्स खाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो गर्मियों में ना जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाओ. निकल जा, कितना अच्छा होता अगर तरबूज में अगर सीड्स ना होते. क्यों होते सीड्स यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं.
सो मैं पहले खा लेती हूँ तरबूज वाटरमेलन, फिर आप लोगों से बात करूँगी। आपको खाना है क्या? ओके ठीक है, आपको नया वाला देती हूँ, ठीक है आ करो। अच्छा नहीं, ये लाल नहीं है ज़्यादा, ये लाल है ना। आ करो आ करो आ करो आ करो 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 करो, हो गया ठीक है। आपने खाया नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ। वैसे ना फ्रूट्स खाना इज रियली गुड फॉर हेल्थ, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी मैं भी नखरे करती हूँ कि नहीं खाना है नहीं खाना है, मम्मी के साथ करती हूँ कभी कभी, ठीक है। बट कभी कभी खा भी लेती हूँ उसे, कभी कभी आप भी खा लिया करो, ठीक है। सुबह के लिए बाय 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 गाइस, एंड जो भी ग्लो दिख रहा है ना वो कुमकुमादी ऑयल की वजह से है, बिकॉज उसको मैंने अप्लाई किया था आप लोगों के सामने। तो मैं मेरे फ्रूट्स को इन्जॉय करने वाली हूँ एंड फिर आप लोगों के साथ बातें करके भी इन्जॉय करने वाली हूँ। सो मतलब मैं रोज़ ही इन्जॉय करती हूँ यार, कुछ ना कुछ तो मेरा इन्जॉयमेंट हो ही जाता है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। हेलो गाइस, बाप रे। सो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया एंड आई एम लुकिंग रियली बैड, सो कुछ लगाते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ये जो लिप बाम है जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इसी को लगा लेती हूँ। ओके ओके निकल जाओ। थोड़ा सा लगाऊंगी बस, इसको लगाने के बाद भी मैं बहुत कुछ अच्छा मतलब बहुत अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आई नो दैट बेबी गर्ल्स। सो मेरे फ़ोन में भी बिल्कुल चार्ज नहीं है, ठीक है ना, लाइक 8% और 7% चार्ज होगा शायद, एंड मुझे भी चार्ज में बिठाना है इसको। एंड कल का दिन गाइस, कल का दिन इतना ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, होपफुली लाइक आई हैव प्लान्ड सो मेनी गुड थिंग्स फॉर टुमारो, सो होपफुली बहुत ही अच्छा होगा कल का दिन। एंड और क्या बोल रही थी मैं, यस क्या बोल, कुछ एक बोलने वाली थी कुछ, हाँ तो मेरा जो कंप्यूटर है जो मैं सुबह आपको बोल रही थी कि कोई आया था इसको फिक्स करने के लिए, सो होपफुली वो वेडनेसडे के अंदर फिक्स हो जाएगा, मतलब थर्सडे से मैं उस पर काम कर पाऊँगी होपफुली। सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ प्रे करो कि एकदम अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छा वाला ठीक हो जाए, ताकि मैं जल्दी से वीडियोज़ एडिट कर पाऊँ। ओके एंड गाइस और एक बात बोलना है, ठीक है ना, एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के सामने जो मतलब अपना खुद का रूप दिखा पाती हूँ ना, जो ऐसे बात करती हूँ, मैं सबके सामने ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं सबके सामने ऐसे बात कर पाती हूँ, मतलब लाइक वेरी लाइक नो दैट्स नॉट मी मैन। आओ पैरों में बहुत दर्द है आज, ठीक है ना, थोड़ा सा लग गया था, स्लिपरी था एंड मैं इधर उधर वैसे भी गिरती रहती हूँ, ठीक है। सो गिरी नहीं थी गाइस, गिरी नहीं थी, बस लग गया था थोड़ा सा पैरों में चोट, तो थोड़ा सा दर्द तो है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो हाँ जो बोल रही थी, सो मैं सबके सामने ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ, सबके सामने तो मैं सामने से जाके बात भी नहीं कर पाती हूँ, लाइक अगर आप मेरे से एक बात बोलोगे तो शायद मैं 100 बात कर लूँगी, बट वो जो पहला बात है ना वो आप ही को करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट जस्ट टॉक टू यू। एंड कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही प्राउडी किस्म के होते हैं, लाइक यू डोंट नो हु आई एम बेब, मुझे पसंद नहीं आते बिल्कुल भी नहीं, उनसे तो मैं सामने से बात कर भी नहीं सकती, लाइक मैं कर भी नहीं सकती मतलब क्या, शायद वो अगर मुझसे बात करे तो मैं ज़रूर अच्छे से हंस हंस के बात करूँ, बट मैं कभी ना कर पाती, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल हो, मतलब मेरे जैसा नॉर्मल इंसान हो, मेरे जैसा, ठीक है ना, खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझते हो, तब आई कैन टॉक टू यू, डेफिनेटली आई कैन। आई डोंट नो आपके लिए ये चीज़ जानना इतनी ज़रूरी क्यों है, मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों मेरे व्लॉग्स को ऐसे खींचती जा रही हूँ, आई डोंट नो गाइज, मैं व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा खींचती हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, बट मैं खींचती हूँ, ठीक है। अरे आप लोगों को लंबे व्लॉग्स भी पसंद आते ना बोलो मुझे। सो
लिप बाम अच्छा है ना, ये वाला लिप बाम अच्छा दिखता है, मतलब टिंट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा एकदम परफेक्ट वाला टिंट है इसमें। सो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फेस मास्क लगाऊंगी, ठीक है, बेसन वाला, जो कि मैं टैन रिमूवल के लिए हमेशा लगाती हूँ, बट आपको मैं अभी नहीं दिखाने वाली हूँ। अगर आपको देखना है देन कमेंट करना पड़ेगा, एंड कमेंट करोगे तब मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगी कि टैन रिमूवल के लिए आप कौन से फेस मास्क यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप जानना चाहते हो देन कमेंट बिलो, मैं ज़रूर करूँगी। एंड आई डोंट नो गाइस, रात होता जाता है जितना मेरे में एनर्जी उतना बढ़ता जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई। सो ओके, रैम्बलिंग अभी स्टॉप करती हूँ मैं, जल्दी से फेस को थोड़ा सा वॉश करती हूँ, फिर थोड़ा सा मास्क लगाती हूँ, फिर थोड़ा सा ऐसा ऐसा करती हूँ। ओके, कैसा करूँगी, ऐसा करूँगी। ओ माई गॉड, आई एम मैड पर्सन, क्या बोल रही हूँ, मैं सच में पागल हो चुकी हूँ गाइस, फुल्ली सब कुछ ढीला हो चुका है। सो चलो अभी के लिए बाय बाय, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर से बात करती हूँ, बाय बाय। सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं एक अलग फेस पैक लगाऊंगी एंड मैं कुछ अलग ही लगाया है मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है बाय द वे। पता नहीं गले में क्या हो गया, ठीक है। सो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा दिख तो रहा है एंड फील भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, बट काम कैसा करेगा वो आई डोंट नो। सो कुछ दिन ट्राई करेंगे फिर आपको बोलूँगी कि कैसे काम किया है इसने। एंड मैंने ना अंडर आई एरिया में भी लगाया है इसको, बिकॉज़ ये बिल्कुल ड्राइंग वाला नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देगा स्किन को। सो इसलिए मैंने अंडर आईज पे भी लगाया है। एंड ये DIY फेस मास्क है, DIY, एवरीथिंग आई यूज़ इज ऑलमोस्ट लाइक मोस्टली DIY। सो अभी मैं इसको अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स रखने वाली हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स के बाद मैं वॉश कर लूँगी फेस को और आपको दिखाऊँगी कि मेरा स्किन अच्छा दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ज़रूर दिखाऊँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। हाय गाइस, सो मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज दिस वॉज रियली लाइक मॉइस्चराइजिंग द फेस मास्क। एंड मैंने थोड़ा सा अंडर आई में ना वो जो ऑयल मिला है आज मुझे, कुमकुमादी फेस ऑयल, उसी को अप्लाई किया है एंड अंडर आई एरिया इज़ फीलिंग रियली हाइड्रेटेड, विच आई लाइक। सो अभी मैं सोने जाने वाली हूँ एंड आई एम रियली टायर्ड, लाइक नॉट वेरी टायर्ड बट आई एम टायर्ड एंड टाइम से सो जाना इज़ गुड। सो मैंने जितना हो सका आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई किया है आज वाली ब्लॉग में, एंड आपने कमेंट तो किया था ना, अगर नहीं किया है तो आज की वीडियो में कमेंट कर दो। एंड कल की वीडियो में एक हैशटैग था जो कि बहुत सारे लोगों ने मिस भी कर दिए थे। सो लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो यार आप, क्यों नहीं देखते, लास्ट तक देखा करो, मैं हैशटैग्स देती हूँ आपको। बट आई थिंक कि आज कोई हैशटैग्स दूँ या नहीं दूँ पता नहीं, बिकॉज मेरे फ़ोन में अभी बिल्कुल चार्ज नहीं है, 3% चार्ज है। सो मुझे भी इसको जल्दी से चार्ज में बिठाना ही पड़ेगा। सो या सो आज का हैशटैग है #charge, ठीक है, चार्ज #charge। तो लिखो कमेंट सेक्शन में #charge एंड मैं अभी सोने जाती हूँ, चार्ज करने जाती हूँ खुद को भी एंड फ़ोन को भी। सो मैं आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू वीडियो, एक्साइटिंग वन। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।